हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्यामचंद्र ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोपेडिक एमसीक्यूज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के जो भी नर्सिंग एग्जाम्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले नहीं है तो चैनल में सब्सक्राइब लीजिए चैनल को, आगे भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग साइनोवियल जॉइंट विथ इरेगुलर एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस दैट प्रोड्यूस इंटरलॉकिंग ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर पहला हिंट है साइनोवियल जॉइंट, जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, सेकेंड सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट एंड वेस्टिजियल टेल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आंसर है, गेस कीजिए। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, सैक्रम एंड द इनोमिनेट बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, अलाफ सैक्रम, उसके जॉइंट को हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। वो एक स्ट्रॉन्ग वेट बियरिंग जॉइंट है। ठीक है, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन का और चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लैटरल डेविएशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए लोडोसिस, ऑप्शन बी केफोसिस, ऑप्शन सी स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। लैटरल डेविएशन को वर्टिब्रल कॉलम के क्या कहते हैं, सो द आंसर इज स्कोलियोसिस। वर्टिब्रल कॉलम के लैटरल डेविएशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज फ्रैक्चर ऑकर्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला, फिबुला के डिस्टल एंड में फ्रैक्चर होने को क्या कहते हैं। ये केरला पीएससी 2014 में आ चुका है। ठीक है, सो डिस्टल एंड ऑफ फिबुला के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, कोलिस फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर और पॉट्स फ्रैक्चर। ठीक है, गेस कीजिए। सो द आंसर इज पॉट्स फ्रैक्चर। ठीक है, फिबुला के डिस्टल एंड में फ्रैक्चर होने को हम पॉट्स फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, कोलिस फ्रैक्चर रेडियस डिस्टल रेडियस में होता है एंड स्पायरल ऑब्लिक फ्रैक्चर टाइप ऑफ फ्रैक्चर से। ठीक है, पॉट्स फ्रैक्चर डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला को कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्चर इन व्हिच बोन इज सेटेड इनटू न्यूमेरस फ्रैगमेंट्स। बोन फ्रैक्चर होते ही वो न्यूमेरस फ्रैगमेंट्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं बोन, इस तरह के फ्रैक्चर का हम क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, अवल्सन फ्रैक्चर, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर एंड स्पायरल फ्रैक्चर। गेस कीजिए आंसर। सो द आंसर इज कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, एक बोन फ्रैक्चर होता है वो सेवरल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के फ्रैक्चर को कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन व्हिच एक्सटेंड्स इनटू द सीएमसी जॉइंट इज नोन एज। ठीक है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की फ्रैक्चर को जो कि सीएम जॉइंट तक एक्सटेंड होता है उसे क्या कहते हैं, हैंगमैन्स जोन्स, बेनेट्स फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की फ्रैक्चर, ठीक है, आंसर इज बेनेट फ्रैक्चर। फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की फ्रैक्चर को जो कि सीएमसी जॉइंट तक एक्सटेंड होता है उसे कहते हैं बेनेट फ्रैक्चर। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्या क्या बेनेट फ्रैक्चर किसे कहते हैं। फर्स्ट जो है मेटाकार्पल बोन के फ्रैक्चर को बेनेट फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि थंब फ्रैक्चर है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के फ्रैक्चर को कहते हैं। हैंगमैन फ्रैक्चर जो सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं, उस तरह के जो है एक्सियल बोन फ्रैक्चर होता है उस तरह के फ्रैक्चर को बोलते हैं हैंगमैन फ्रैक्चर। जोन्स फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर बिटवीन द बेस एंड मिडिल पार्ट ऑफ द फीट मेटाटार्सल ऑफ द फुट इज कॉल्ड जोन्स फ्रैक्चर। ठीक है, मेटाटार्सल यहाँ पर रिलेटेड है जोन्स फ्रैक्चर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ये सारे जो है एक्सप्लेनेशन थे कौन सी बोन की फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, ये सारे डेफिनेशंस थे, ये याद रखिएगा, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं एंट्रेंस में। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द बोन हीलिंग प्रोसेस ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन व्हिच स्टेज। बोन हीलिंग प्रोसेस में ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन व्हिच स्टेज। ठीक है, फर्स्ट इज
सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। कौन से स्टेज में ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन होता है? ठीक है, द आंसर इज स्टेज टू। स्टेज टू में ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन होता है। टोटल फोर स्टेजेस हैं बोन हीलिंग के, मैं आपको दिखा देता हूँ सारे स्टेजेस, कौन से स्टेजेस में क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए स्टेज वन में क्या होता है, हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है जो कि 1 to 5 days ड्यूरेशन है। स्टेज टू के ड्यूरेशन 5 to 11 days है। फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलोस फॉर्मेशन होता है स्टेज टू में, ठीक है, जो कि फाइबर रिलेटेड है, फाइब्रिन रिलेटेड। स्टेज थ्री में क्या होता है, बोनी कैलोस फॉर्मेशन होता है एंड ड्यूरेशन है 11 to 28 days। बोनी कैलोस फॉर्मेशन स्टेज थ्री में होता है। ठीक है, स्टेज फोर में बोन रीमॉडलिंग होता है ऑनवर्ड 18 days ऑनवर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बोन फ्रैक्चर होता है तो फिर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर लगाया जाता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, उस कंपार्टमेंट सिंड्रोम से कैसे रिलीफ मिलेगा हमें, यानी कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम मीन्स प्लास्टर के जो है स्किन में रेडनेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह का कुछ सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर इसे रिलीफ कैसे पाएंगे, उसका एक प्रोसीजर है फासियोटोमी, सर्जिकल प्रोसीजर फासियोटोमी करते हैं। ठीक है, ये है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। ठीक है, याद रखिएगा इसे फासियोटोमी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज़ हैड हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, यानी कि प्रायोरिटाइज हम किसे देंगे, कंप्लेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग, स्कैन बॉडी डिस्चार्ज ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग, कंप्लेंट ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी, टेम्परेचर ऑफ 101.8 degree Fahrenheit। सो इन चारों में से हम प्रायोरिटी किसे देंगे, ठीक है, गेस कीजिए आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ 101.8 degree Fahrenheit। अगर रिप्लेसमेंट हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसके लिए ये जो प्रायोरिटाइज करना है इस सिचुएशन को। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। कौन से डिजीज कंडीशन में विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी होता है, यानी कि अगर विंड ब्लो हो रहा है तो फिर आपको जो है उड़ा कर ले जा रहा है, इस तरह का कुछ डिफॉर्मिटी रिलेटेड है। ठीक है, कौन से डिजीज में होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, अंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, अकोंड्रोप्लासिया। कौन से डिजीज में विंड स्वेप्ट डिजीज होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में विंड स्वेप्ट डिजीज होता है, मैं आपको पिक्चर जो है दिखा देता हूँ। ये देखिए पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए, विंड स्वेप डिजीज। ठीक है, जेनोफाल्गम एंड जेनो वायरस जो है बहुत डिफॉर्मिटी यहाँ पर रहेगा विंड स्वेप डिजीज में। ठीक है, मैं रेड कर लीजिए, विंड स्वेप डिफॉर्मिटी विच इज वाल्गस डिफॉर्मिटी इन वन नी एंड वायरस डिफॉर्मिटी इन अनदर नी। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी एनकाउंटर्ड इन द पेशेंट्स विद रिकेट्स, रिकेट्स में इस तरह का डिफॉर्मिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट। NCFL में आया था 2019 में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इनमें से कौन सा कॉमन नहीं है, क्रेपिटस, टोफी, सबक्यूटेनियस नोड्स, पेन इन द मूविंग द जॉइंट। सारे जो है ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं रहेगा। ठीक है, द आंसर इज टोफी। टोफी का मीनिंग क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्रिपिटस, सफकेटनस नोट्स एंड पेन इन द मूविंग इन जॉइंट, ये सारे जो है साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन टोफी नहीं रहेगा। टोफी क्या है, एटोफस अपलेवर टोफी, ए सिम्टम ऑफ गॉट दैट ऑकर्स व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड बिल्ड्स अप अराउंड द जॉइंट। जॉइंट में जब यूरिक एसिड
जमा हो जाता है उसे गॉट कहते हैं। इस गॉट में जो है टोपी ये जो है सिम्टम रहेगा, ठीक है। टोपी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता है, गॉट में ये जो है सिम्टम है टोपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एलिवेशन इन बोन डेंसिटी इज नोन एज। बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड बोन जो है हार्ड हो जाएगा, इस तरह का कंडीशन किस डिजीज में दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेक्टोरसिस, ऑस्टियोमालेसिया एंड आर्थराइटिस, कौन सी डिजीज में ये जो है कंडीशन दिखाई देता है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑस्टियोपेक्टोरसिस। ऑस्टियोपेक्टोरसिस में बोन हार्ड हो जाता है एंड बोन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आर्थराइटिस जॉइंट पेन है, ऑस्टियोमालेसिया सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन कहते हैं एंड ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपेक्टोरसिस में बोन डेंसिटी इंक्रीज होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ, कौन सी नर्व की कंप्रेशन में जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। रेडियल, उल्नर, फीमरल एंड मेडियन, कौन सी नर्व की कंप्रेशन में ये जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, मेडियन नर्व के कंप्रेशन में जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एलन, फालन, स्पोलिंग, रोमबोंग टेस्ट। सो आंसर इज फालन टेस्ट। फालन टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट में जो है कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है ये, ठीक है। ए पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट एम्पुटेशन ऑफ ए लेग कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द एम्पुटेट पार्ट। द नर्व शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक पार्ट जो है एम्पुटेट हुआ है वहाँ पर जो है इसे पेन फील हो रहा है, जो कि पार्ट ऑलरेडी नहीं है वहीं पर जो है इसे पेन फील हो रहा है, नर्व्स को क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम, द पेन कैनॉट एग्जिस्ट एज द लेग हैज़ बीन एम्पुटेट, द पेन इज फेनोमेनन नोन एज घोस्ट पेन और शुड से दैट इट इज़ योर इमेजिनेशन। क्या कहना चाहिए इस सिचुएशन में एक नर्स को, ठीक है। सो आंसर कीजिए, जो पार्ट नहीं है वहीं पर जो है उसे पेन फील हो रहा है पेशेंट को, सो उस तरह का एक फेनोमेनन को क्या कहेंगे हम और कैसे एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, ठीक है। सो आंसर गेस कीजिए। द आंसर इज ऑप्शन सी, द पेन इज फेनोमेनन पेन नोन एज घोस्ट पेन और फैंटम लिम्ब पेन, इसे फैंटम लिम्ब पेन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि रियल में एक्सपीरियंस करता है एक पेशेंट। टीबी ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन को क्या कहते हैं और अदर नेम, ठीक है। ऑप्शन ए टीबी मेनिंजाइटिस, पोर्स डिजीज, टीबी बोन, टीबी लॉन्ग, ठीक है। से इनमें से चारों में से टीबी ऑफ स्पाइन को और क्या कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज पोर्स डिजीज, ठीक है। टीबी ऑफ स्पाइन को पोर्स डिजीज भी कहते हैं। और एक पोर्स फ्रैक्चर भी था जो कि डिस्टल एंड ऑफ फिबुला के फ्रैक्चर को कहा जाता है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग के और एक रिक्रूटमेंट के साथ या फिर और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं श्याम चौधरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।